भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस रविवार की दोपहर के परिवर्तन कार्यक्रम में। आज एक बहुत विशेष दिन है। आज रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस है और साथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस भी है। तो एक महान आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, तो आज उनके जीवन चरित्र के ऊपर कुछ शिक्षाओं की चर्चा करेंगे। जब हम भगवान के महान भक्तों का गुणगान करते और सुनते हैं, इससे हमारी भक्ति में विश्वास और श्रद्धा बढ़ जाती है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। तो कहते नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो अभद्र हैं जिनका उपयोग भगवान की सेवा में नहीं किया जा सकता। अभद्र जैसे काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, मोह, ये क्या हैं? ऐसे हृदय के विकार जिनको आप भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, जो कि हमारे और भगवान के बीच में एक दीवार की तरह काम करते हैं, ये हमें भगवान से दूर ले जाते हैं। अभद्रेशु, तो ये जो अभद्रेशु हैं, इसका उपचार क्या है? ये अभद्र कैसे हृदय से दूर होंगे? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया, जब हम नित्यम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम जैसे व्यक्ति की सेवा करते हैं, तो एक है ग्रंथ भागवत और दूसरा है व्यक्ति भागवत। तो जब हम ग्रंथ भागवत को समझ के व्यक्ति भागवत की सेवा करते हैं, तो ये परिणाम क्या देगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे अभद्रों को, हमारे हृदय की अवांछित इच्छाओं को नष्ट कर देगा, उसको प्रायेषु प्राय उसका हमारे हृदय से विनाश कर देगा। और उसका परिणाम क्या होगा? जब अभद्र नहीं रहेंगे हमारे मन में, तो उसका परिणाम क्या है? भक्तिर भवती नष्ट की, भक्ति में निष्ठा जागृत हो जाएगी, ये भक्ति निष्ठायमान बन जाएगी। अभी हमारी भक्ति कैसी है? निष्ठा रह कर हिलती डुलती रहती, लेकिन वो निष्ठा जागृत होगी जब हम क्या करेंगे? नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत व्यक्ति और भागवत पुराण, इन दोनों की सेवा करेंगे, तो ये भक्ति निष्ठायवान बन जाएगी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो स्वयं परम भगवान कृष्ण और राधा के युगल अवतार चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले उनके प्रथम 6 शिष्य, जिनका नाम था वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को।
जो कि छह गोस्वामी, ये जो छह गोस्वामी हैं उनमें से एक थे रघुनाथ दास गोस्वामी। ये रघुनाथ दास गोस्वामी उनमें से एक थे जिनका आज आविर्भाव दिवस है। तो वैष्णवों के आविर्भाव या फिर तिरोभाव के जो दिन होते हैं ये बड़े शुभ दिन होते हैं। इन दिन जब हम इन वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं, जैसे आपका बर्थडे होता है तो आप खुश रहते हैं उस दिन कि नहीं, तो उसी तरह से जब हम इन वैष्णवों से, इनके आविर्भाव और तिरोभाव भी एक ही समान है, क्योंकि उनका तिरोभाव इस संसार से होता है और आविर्भाव आध्यात्मिक संसार में हो जाता है। तो इस तिरोभाव और आविर्भाव के दिनों को जब हम उन वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं और उनके गुणगान को सुनते हैं तो ये हमारे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे अनर्थों को नष्ट कर देगा। इसीलिए जो अनर्थ है हृदय के, ये पहाड़ के समान है और हमारी भक्ति में इतना बल नहीं कि हम इन पहाड़ों को लांग सके। इन पहाड़ों को लांगने के लिए हमें बल की आवश्यकता है और वो बल हमें ये महान आचार्य गण देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब तक उन्होंने सन्यास नहीं लिया और ईश्वरपुरी से, जो कि उनके इस लीला में गुरु बने, जब तक उनसे गया में जाकर दीक्षा ग्रहण नहीं की, तब तक चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित का एक रोल प्ले कर रहे थे। वो एक व्याकरण के अध्यापक थे और पूरे ईस्ट बंगाल में जगह जगह जाकर चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में संस्कृत व्याकरण सिखाया करते थे। और वो निमाई पंडित जो थे, वो जब उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया और इससे पहले तक किसी को भी उनकी वास्तविकता का पता नहीं कि ये कौन है, ये स्वयं की भगवान के अवतार हैं जो कि इस कलयुग के संकीर्तन प्राय, इस संकीर्तन लीला को शुभारंभ करने के लिए अवतरित हुए थे। और वो चैतन्य महाप्रभु ने जब 24 साल की आयु में कटवा नामक स्थान में जाके संन्यास ग्रहण किया तो और जब ये समाचार फैल गया तो लाखों की संख्या में चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए लोग आने लगे कि वो सन्यासी होने जा रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बड़े सुंदर दिखते थे। और जो नाई था जिसका नाम था मधु, उस मधु को बोला महाप्रभु ने मेरे बाल काट दो, क्योंकि सन्यासी बाल नहीं रखते वैष्णव लाइन में, तो कहा बाल काट दो। उस मधु के हाथ कांपने लग गए, वो बाल नहीं काट रहा था महाप्रभु के। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरा आदेश है तुम्हें, तुम ये मेरे बाल काट दो। और जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु के बाल गिरते जा रहे थे, उनके भक्त मूर्छित होकर गिरते जा रहे थे। लाखों हजारों की संख्या में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए लोग आने लगे और महाप्रभु कटवा से वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन वृंदावन जाने की बजाय वो नित्यानंद प्रभु की शरारत की वजह से शांतिपुर अद्वैताचार्य पहुंच के घर पहुंच गए। नित्यानंद प्रभु ने रास्ते में बच्चों को खड़ा कर दिया और बोला जब ये आगे रास्ता पूछे वृंदावन का तो ये बताना, बोला ये जाता है। तो बच्चों ने बोला महाप्रभु रास्ता वृंदावन का इधर से, तो महाप्रभु चलने लगे और देखा नौका में बैठे गंगा में अद्वैताचार्य आ रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अद्वैताचार्य तुम भी वृंदावन में हो? अद्वैताचार्य कहते हैं महाप्रभु जहां आप हैं वहीं वृंदावन है, आइए नौका में बैठ जाइए आप भी। और उनको अपने घर ले गए वो शांतिपुर में, और बाद में समझ में आया माजरा क्या है, वो तो जिस वृंदावन जाने में लगे थे और ये काम उनको शांतिपुर भेज दिया किसी ने। तो जब चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर पहुंचे तो अब हजारों लाखों लोग उनका दर्शन करने शांतिपुर आ रहे थे
और सप्तग्राम में रहने वाले रघुनाथ, उनके पिता और उनके पिता के भाई हिरण्य और गोवर्धन, ये दोनों एक बहुत बड़े जमींदार थे और 500 साल पहले इनकी सालाना आय 20 लाख रुपए होती थी, जिस समय 1 रुपए की भी 1000 रुपए में आज की तुलना में कीर्तन है कीमत मानी जाएगी। तो 20 लाख रुपए इनकी एनुअल इनकम थी और ये इस पूरे परिवार के इकलौते पुत्र थे रघुनाथ। और चैतन्य महाप्रभु का पहली बार इन्होंने दर्शन अद्वैताचार्य के घर में शांतिपुर में किया और जब चैतन्य महाप्रभु का इन्होंने दर्शन किया तो ये चैतन्य महाप्रभु को देखते ही रह गए। चैतन्य महाप्रभु का स्वभाव ही ऐसा था, जो उनको देखता था, जो उनको सुनता था, जो उनके संपर्क में आता था, उनको कभी त्यागी नहीं पाता था। तो रघुनाथ चैतन्य महाप्रभु के जब संपर्क में आए तो उनको भूल नहीं पा रहे थे। लेकिन इससे पहले एक और घटना हुई थी कि सप्तग्राम, जहां पर रघुनाथ अपने माता पिता के साथ रहते थे, उस सप्तग्राम में हरिदास ठाकुर, जो कि नाम के आचार्य हुए, जो कि 7.5 प्रहर भगवान के नाम का जप किया करते थे, जिसमें करीब 21-21.5 घंटे उनको लगा करते थे, वो हरिदास ठाकुर बलराम आचार्य के घर में रहने आए थे और बलराम आचार्य पुरोहित थे रघुनाथ के पिता के। तो जब हरिदास ठाकुर बलराम आचार्य के घर में रह रहे थे और रघुनाथ ने उनका दर्शन किया और उनके दर्शन और उनकी कृपा से रघुनाथ को परिणाम क्या मिला कि वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने पहुंच पाए। इसीलिए जब हम वैष्णवों के संग में आते हैं तो वैष्णवों के संग में आने का परिणाम क्या है, हम भगवान का दर्शन करेंगे एक दिन। वैष्णव संग हमें योग्य बनाता है भगवान के दर्शन को प्राप्त करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर से जब रघुनाथ को कृपा प्राप्त हुई तो उस कृपा के फल स्वरूप वो चैतन्य महाप्रभु का भी दर्शन अद्वैताचार्य के घर में कर पा रहे थे। जैसे आप कोई कार स्कूटर चलाते हैं जब, तो उसमें एक पेट्रोल का टैंक रहता है, तो जब पेट्रोल डीजल भरा रहता है तो वो गाड़ी चलती रहती है, जब खाली हो जाएगा तो रुक जाती है। उसी प्रकार से ये भक्ति की गाड़ी में कृपा का पेट्रोल डलता है, जब ये कृपा के पेट्रोल को भर के रखेंगे तो ये भक्ति की गाड़ी हमेशा चलती रहेगी और रुकती नहीं है, ये थमेगी नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु का पहली बार दर्शन अद्वैताचार्य के घर में रघुनाथ ने किया और रघुनाथ ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को स्पर्श किया और वो 4-5 दिन अद्वैताचार्य के घर में अपने परिवार के साथ रहा और रघुनाथ जी ने रोज वो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में भाग ले रहे थे, उनसे हरि कथा सुन रहे थे, उनका दर्शन कर रहे थे। और जब रघुनाथ गोस्वामी का परिवार उनको लेकर वापस सप्तग्राम उनके घर आ गया तो रघुनाथ गोस्वामी कहते थे, मुझे वापस महाप्रभु के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस महाप्रभु के पास जाना है। लेकिन उनके परिवार के लोग उनको जाने नहीं दे रहे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी घर से भाग गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। और जब घर से भाग गए तो फिर, क्योंकि इनके पिता एक बहुत बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपने सैनिकों से पकड़ के उनको वापस ले आए और रघुनाथ गोस्वामी ने 3-4 बार और प्रयास किया घर से भाग के चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। 11 पहरेदार सिर्फ रघुनाथ गोस्वामी की पहरेदारी करते थे कि ये घर से भाग ना जाए कहीं, वो हर समय उनके इर्द गिर्द रहते थे, उनको कभी अकेला ही नहीं छोड़ते थे कि कहीं ये घर छोड़ के कहीं चले ना जाए।
और फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी उन 11 पहरेदारों को भी धोखा देके भाग जाते थे और वो फिर से पकड़ के उनको ले आते थे। तो उनके पिताजी ने 17 साल की आयु में रघुनाथ दास गोस्वामी की शादी कर दी, ये सोच के कि शायद अभी ये रुक जाएगा घर में, जाएगा नहीं यहां से छोड़ के। लेकिन वो फिर भाग गए शादी के बाद भी, और जब पकड़ के लाए तो उनकी माँ ने कहा इनको तो बांध के ही रख देना चाहिए अभी, ताकि ये घर से निकल ही ना पाए। तो उनके पिता ने कहा जब इसके पास इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है और अप्सरा की जैसी इनकी पत्नी है तो वो नहीं बांध पा रहे तो रस्सी क्या भला बांधेगी इसे। इसीलिए जो भगवान के प्रेम में उन्मत्त हो, इस संसार की कोई भी शक्ति ऐसे व्यक्ति को रोक नहीं सकती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में बाल्यकाल में आए और उनके बगैर वो जीवन नहीं जी पाते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए जगन्नाथपुरी से निकले और रामकेली में रूप और सनातन गोस्वामी को जब उन्होंने दर्शन दिया और देने के बाद वो फिर से एक सप्ताह अद्वैताचार्य के घर में आके रुके और यहां से वो अब आगे वृंदावन जाने वाले थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने परिवार के साथ फिर से दर्शन करने के लिए अद्वैताचार्य के घर में आए और जब वो आए तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपना सर रख के रोने लगे और वो प्रार्थना कर रहे थे हृदय से महाप्रभु से कि उन्हें वो इस विषय कूप से बाहर निकाल दें। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को देखकर कहा स्थिर हैया घरे आओ ना हो वातुल क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। स्थिर हैया आप स्थिर हो जाओ और घर वापस लौट जाओ, ना हो व्याकुल आप व्याकुल मत होइए, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। धीरे धीरे इस विषय कूप से, इस भव सागर से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो रघुनाथ गोस्वामी ने पूछा अब चैतन्य महाप्रभु से लेकिन इस ग्रह कूप में रहते मेरा उद्धार होगा कैसे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अंतरे निष्ठा कर बाहे लोक व्यवहार अचिरात कृष्ण तोमाय करिबे उद्धार। कि तुम अंदर से कृष्ण के प्रति निष्ठा रखना, बाहे लोक व्यवहार और बाहर से समाज में रहते हुए उनके साथ लोक व्यवहार उनके जैसा ही उनको डील करना। अंदर से तुम कृष्ण के होके रहना और बाहर से लोगों के बीच में उनके जैसा ही बन के दिखाना। अचिरात कृष्ण तोमाय करिबे उद्धार, अति शीघ्र कृष्ण तुम्हारा उद्धार कर देंगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि जब मैं वृंदावन से नीलाचल वापस आऊंगा तो तुम एक छल के माध्यम से मुझ तक वापस पहुंच जाओगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूछा वो छल क्या होगा। तो महाप्रभु कहते हैं उचित समय में कृष्ण तुमको बुद्धि देंगे उस छल को करने के लिए। और इतना चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा और जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से यह संदेश पाने के बाद वापस अपने घर लौट आए और उन्हें पता चला उनके घर के समीप ही पानीहाटी नाम के स्थान में नित्यानंद प्रभु आए। तो नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने गए और दूर से ही प्रणाम कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं ये कौन चोर है जो दूर से मुझे चुरा के लेके जा रहा है, ये सामने क्यों नहीं आ रहा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के सामने आए तो बोले तुमने चुराया है मेरा एक धन,
तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को चुराया था, बोला तुमने मेरा धन चुराया है, अब तुम पकड़े गए, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें सारे भक्तों को दही चिड़ा खिलाना है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो कृष्ण भावनामृत की पनिशमेंट भी अपने आप में रिवार्ड है। उन्हें वैष्णव सेवा का अवसर मिल गया, जैसे हमारे मंदिर में जब कोई भक्त नहीं आता है मंगल आरती, हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश के मंदिर में जब कोई ब्रह्मचारी मंगल आरती मिस करता है 4:30 बजे, तो उसको 108 बार हरे कृष्ण मंत्र लिखना पड़ता है कागज के ऊपर बैठ के। तो पनिशमेंट भी रिवार्ड है, भगवान का नाम लिख रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत में सजा भी अपने आप में एक रिवार्ड हो जाता है। तो नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को ये पनिशमेंट दिया, तुम सबको दही चिड़ा खिलाओ। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने सौभाग्य माना इसको कि उन्हें वैष्णव सेवा का अवसर मिल रहा है, नित्यानंद प्रभु के सेवा का उनको अवसर प्राप्त हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल आए और एक दिन रात को रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में यदुनंदन आचार्य आए, और यदुनंदन आचार्य पुरोहित थे, और वो रघुनाथ को आके कहते, रघुनाथ जो मेरा पुजारी था वो शिव विग्रह की सेवा छोड़ के चला गया है और मेरे पास और कोई सेवक नहीं है, तो तुम कुछ दिन आके मेरे शिव विग्रह की सेवा कर दो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी घर से बाहर आ गया, पहरेदारों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि यदुनंदन आचार्य आए हैं लेने के लिए। तो रास्ते में जाके रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं यदुनंदन आचार्य को कि आप चलिए, मैं आपके पीछे आता हूं थोड़ी देर में, जरा मुझे एक आवश्यक काम याद आ गया है। और यदुनंदन आचार्य तो आगे चले गए और रघुनाथ दास गोस्वामी भाग गए वहां से नीलाचल चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। 18 दिन का पैदल का रास्ता था, 12 दिन में ही पूरा कर दिया, 18 दिन के रास्ते को 12 दिन में ही भाग के पूरा कर लिया, और जंगलों से होते हुए, पहाड़ों से होते हुए वो चैतन्य महाप्रभु से बिना खाए, बिना सोए, बिना विश्राम किए भागते जा रहे थे महाप्रभु से मिलने की उत्कंठा में, और हृदय में भय था कि फिर से पहरेदार आके उन्हें पकड़ के ले जाएंगे। इसलिए संसार में भगवान की भक्ति करना आसान बात नहीं है। क्योंकि हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है वो ये संसार समझ नहीं सकता, कि संसार के लोग नहीं समझ पाते कि भगवान के प्रति प्रेम क्या कहा जाता है। और जिसके पास वो प्रेम है उसे कोई शक्ति भगवान के समीप आने से रोक नहीं सकती। इसलिए इस प्रेम में भगवान के प्रति बड़ा बल है। ये धन जिसे अपने जीवन में प्राप्त हो गया है वो बड़ा सौभाग्यशाली है, सही भाग्यवान, ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यवान है। जब चैतन्य महाप्रभु गया में ईश्वरपुरी से मिले थे संन्यास लेने से पहले, तो ईश्वरपुरी ने जब उन्हें महामंत्र में दीक्षित किया था, और चैतन्य महाप्रभु वापस जब नवद्वीप आए तो रात दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो उनकी माता का नाम है सची माता। तो सची माता ने श्रीनिवास आचार्य को बुलाया और बोला, इसको कोई बीमारी हो गई है निमाई को, इसकी जीभ ही नहीं रुक रही, ये हर क्षण महामंत्र बोले जा रहा है। तो श्रीनिवास आचार्य बड़ी गंभीरता से आए और चैतन्य महाप्रभु का तापमान देखने लगे और फिर उनकी नब्ज चेक करने लगे और फिर कहते हैं, मैं चाहता हूं ऐसी बीमारी मुझे भी हो जाए। तो जो हमारा भगवान के प्रति प्रेम है ये संसार नहीं समझ सकता। तो रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से मिलने के लिए उन पहाड़ों, झाड़ियों और जंगलों से निकलते हुए 12 दिन में ही पहुंच गए। और जब चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को देखा तो उन्हें गले लगा के वो रोने लगे कि कृष्ण ने तुम्हें निकाल लिया है, कृष्ण ने तुम पे अपनी कृपा करके तुम्हें बचा लिया है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी
स्वरूप दामोदर के साथ रहने लगे, और स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के एक और बड़े निकटतम भक्त और पार्षद है। तो एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से स्वरूप दामोदर के सामने पूछा कि इतने दिन हो गए मुझे नीलाचल में आए, मुझे अभी तक आपने साधन और साधना के बारे में मुझे आदेश नहीं दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये साधन और साधे के विषय में तो स्वरूप दामोदर समझाएंगे, लेकिन मैं तो तुम्हें सिर्फ सार दे सकता हूं। और वो सार क्या है? ग्राम में कथा न सुनिबे, ग्राम में वार्ता न कहिबे, भाला न खाइबे आर भाला न परिबे। तो वो कहते हैं ग्राम में कथा न सुनिबे, ना तो किसी से इस संसार की बात करनी है और ना किसी से इस संसार की बात सुननी है। और ना अच्छा खाना है और ना अच्छा पहनना है, फिर क्या करना है? अमानी न मानद हाना कृष्ण नाम सदा लेबे। हर क्षण क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर व्रजे राधा कृष्ण सेवा मान से करीबे। तो चार शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी, और ये चार शिक्षाएं दे के चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इन चारों शिक्षाओं को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, और आखिरी सांस तक वो इन चारों का पालन करते रहे। चैतन्य महाप्रभु के मुख से इस सार को सुन के रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, और बाद में चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को अपनी गोवर्धन शिला दी। एक शंकरानंद पंडित नाम के भक्त थे जिन्होंने ब्रज से चैतन्य महाप्रभु को गोवर्धन शिला ले जाकर भेंट की थी और गुंज माला भी दी थी। तो चैतन्य महाप्रभु 3 साल से उस शिला को अपने आंसुओं से रोज भिगोते थे, उसको देख देख के कृष्ण को याद करते रहते थे। तो वो गोवर्धन शिला चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को भेंट में दी, और रघुनाथ दास गोस्वामी को शिला में साक्षात कृष्ण का दर्शन होता था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी 16 साल तक नीलाचल धाम में निवास किया उन्होंने, जब तक चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं समाप्त नहीं कर दी। जिस दिन चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हुए, गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रवेश कर गए चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते, और उस दिन के बाद वो नीलाचल को छोड़ के वृंदावन 20 साल रहने आए, और तब तक 16 साल वो जगन्नाथपुरी में ही निवास करते रहे। और 16 साल में वो क्या करते थे? 8 प्रहरों में से 7.5 प्रहर, 1 प्रहर 3 घंटे का होता है, तो यानी कि कितना घंटा हो गया? 22.5 घंटा हरिनाम जप करते थे। ऐसा दृढ़ भजन था उनका, 16 साल तक 7.5 प्रहर नाम जप करते रहते थे, और पेट भरने के लिए क्या करते थे? तो पहले आरंभ में जो चैतन्य महाप्रभु खा के उत्तिष्ठ छोड़ देते थे, तो चैतन्य महाप्रभु के सेवक गोविंद से जाके वो मांग के खा लेते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 Krishna, Hare Hare, Hare Hare.
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।